हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि झाला क्या होता है और झाला कैसे हम सितार पर बजा सकते हैं और बजाने के बाद हम उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सब बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड देखना, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं कि झाला क्या होता है। तो हमारा जो झाला होता है वो सबसे पहली बात तो कि वो बजता कैसे है। तो जो हमारा फर्स्ट तार होता है, बाज का तार, और लास्ट तार चिकारी का, तो इससे ये मेल बनता है। और हमेशा जैसे कोई हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, तो हम लास्ट में उस झाले से हम अपनी बंदिश की गत की एंडिंग करते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक बजा के दिखाती हूँ। सपोज हमने एक बंदिश बजाई, जरूरी नहीं है कि हम एक ही पैटर्न को फॉलो करें। हम अपने अलग अलग पैटर्न बजा सकते हैं। जैसे हमने क्या करना है कि एक पैटर्न तो ये होता है कि हम बजाते मतलब फर्स्ट तार जो हम बजाते हैं हम बाज का, और फिर सेकंड तार जो हम बजाते हैं अपना वो होता है रारा वाला पोर्शन चिकारी का। क्या हुआ, अगर हम इसको अगर एक और तरीके से बजाएं तो हम ऐसे कर सकते हैं। अभी तो हमने बजाया दा, अब हम कैसे कर सकते हैं, हम फर्स्ट तार से इस तरीके से कुछ हम बजा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बस अपना स्पीड के लिए एक तरीका होता है कि अभी हम जब भी प्रैक्टिस करें तो स्टार्ट धीरे स्लो करें, बहुत स्लो करते करते हम अपना स्टेप बढ़ाएं, फिर अपने आप ही वो तेज करते जाएं। अगर हाँ, अगर आपका हाथ दुख रहा है या फिर आपको कर रहा है कि नहीं छोड़ दो, तो उसमें आपको उस केस में क्या करना है, आपको फिर से धीरे लेना है। जैसे हम अपने सरगम की प्रैक्टिस करते हैं, तो सरगम में अगर हम सोचते हैं कि हम कैसे स्पीड से सितार बजा सकें, तो स्पीड से उसमें यही तरीका होता है कि हम पहले अपना सरगम है हम उसको बजा रहे हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे करके तेज करते जा रहे हैं। सपोज अगर हमारा हाथ थक रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो हमें छोड़ना नहीं, हमें उस टाइम ड्यूरेशन पे उसे स्लो करना है। स्लो करने के बाद हमें बढ़ाना है उसे। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं, या वो झाले की हो या फिर किसी गत की हो, किसी चीज की भी हो, बट आपको उस चीज को छोड़ना नहीं है। उस टाइम के लिए आपको स्लो कर देना है बस, उसके बाद फिर दोबारा से तेज कर देना है, ठीक है? तो होप सो आप सबको समझ में आए कि झाला आखिर क्या होता है। आपको पैटर्न आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें हम आपके ऊपर है, बट मेन चीज है हमारा बाज और चिकारी का तार, ठीक है? उसको हम लेके अपना झाला बना सकते हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो में आज मैंने आपको दो चीज बता दी कि हम स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सितार में, और झाला क्या होता है। तो थैंक यू, एंड आप मेरा चैनल आपको पता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।